अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे चिकन कोफ्ता करी। बहुत ही यम्मी एंड डिलीशियस बनती है ये रेसिपी, आप इसे ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही इजी है ये रेसिपी। सबसे पहले हम ऑनियन पेस्ट बनाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए 3/4 कप स्लाइस्ड ऑनियन, 2 टेबलस्पून वाटर डालिए, पानी डालिए, अच्छे से फाइन पेस्ट बनाइए और उसको साइड में रख दीजिए। अब टोमेटो पेस्ट बनाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए 1/2 कप चॉप टोमेटोज, 2 टेबलस्पून पानी डालिए, इसका भी अच्छे से फाइन पेस्ट बनाएंगे और साइड में रख देंगे। अब हम तीसरा पेस्ट बनाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए 2 टेबलस्पून काजू बी, 2 टेबलस्पून लहसुन, 1 टेबलस्पून अदरक। इन सबको मिक्सर जार में डालिए और साथ में 4 टेबलस्पून पानी डालिए और उनको अच्छे से ग्राइंड कीजिए, पेस्ट बना के साइड में रख दें। अब अपने तीनों पेस्ट रेडी हैं, ऑनियन पेस्ट, टोमेटो पेस्ट एंड काजू पेस्ट। एक बाउल लीजिए, उसमें मैंने लिया है 1 कप चिकन मिंस, चिकन का कीमा बना के लीजिए मिक्सर में। उसमें डालिए 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, नमक डालिए, 2 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स डालिए। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं हो तो फ्रेश ब्रेड को भी क्रश करके डाल सकते हैं। और हैंडफुल चॉप करके हरा धनिया डालिए बारीक कटा हुआ, और 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ पुदीना, 2 टीस्पून ऑयल डालिए, तेल डालिए। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके लेंगे, एक डो की तरह बना लेंगे। हाथ को ऑयल से ग्रीस करके लीजिए। अब हम इसके छोटे छोटे कोफ्ते बना के ले लेंगे, ऐसे स्मॉल स्मॉल बॉल्स बना के ले लें और उसको एक प्लेट में रखते जाइए। मैंने यहाँ पर 14-15 बॉल्स रेडी करके ले लिए हैं। एक स्मॉल पॉट लीजिए, हमें डीप फ्राई करने हैं अपने कोफ्ते। प्री हीट करके लीजिए 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। अब गैस को करिए मीडियम लो फ्लेम और हम एक एक करके 3 से 4 कोफ्ते एक साथ में डालेंगे फ्राई करने के लिए, और हल्का सुनहरा कलर आने तक हमें उसको फ्राई करना है। पहले 1 मिनट हम उसको बिल्कुल भी हिलाएंगे नहीं, अदरवाइज़ वो फूट जाएंगे। कंटिन्यू हिलाते रहिए 3 से 4 मिनट के लिए, ठीक है। सब जगह से इवन हमें उसको कुक करना है। लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है अपने कोफ्तों में। अब इसको बाहर निकाल के प्लेट्स में रखते जाइए। ऐसे ही करके सारे अपने कोफ्ते फ्राई करके निकाल के ले लें। अब छोटा पॉट लीजिए ग्रेवी बनाने के लिए। गैस को रखिए मीडियम हाई फ्लेम पर। 5-6 टेबलस्पून ऑयल डालिए। अब हम इसमें डालेंगे अपना ऑनियन पेस्ट। अच्छे से 5 मिनट के लिए रोस्ट करिए, भूनिए। 5 मिनट हो चुके हैं, देखिए कितने अच्छे से अपना प्याज भून के रेडी है। अब हम इसमें डालेंगे टोमेटो पेस्ट और उसको भी हम 5 मिनट के लिए अच्छे से भून के लेंगे। गैस को करिए मीडियम फ्लेम पर। अपने पाउडर स्पाइसेस डालेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालिए, 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डालिए, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालिए, 1/2 टीस्पून सॉल्ट डालिए, नमक डालिए। अपने मसालों को 2 मिनट के लिए अच्छे से भून कर लीजिए। 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे अपना 3rd पेस्ट, काजू अदरक लहसुन वाला पेस्ट। 5 मिनट उसको अच्छे से रोस्ट कीजिए। ये देखिए कितने अच्छे से ऑयल रिलीज हुआ है, तेल छूटा है। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून गाढ़ा दही। अच्छे से इसको मिक्स कीजिए, 5 मिनट के लिए रोस्ट करके लें। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम गैस को करेंगे मीडियम फ्लेम पर।
अब हम अपने सारे कोफ्ते बॉल्स डालेंगे फ्राई किए हुए। एक मिनट के लिए अच्छे से मसाले में मिक्स करके लें। अब हम डालेंगे 1 कप पानी। एक बार अच्छे से मिक्स करके लीजिए। बॉईल आने तक थोड़ा वेट कीजिए। बॉईल आ चुका है, अब गैस को कीजिए लो फ्लेम पर। आधी हरी मिर्च ली है मैंने, फाइनली बारीक चॉप करके डालिए। कवर कीजिए ढककर। 15 से 20 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पर कुक करेंगे। 20 मिनट हो चुके हैं, अब हम उसको ओपन करके चेक करेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से अपने कोफ्ते कुक हो चुके हैं। ऊपर से हम थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल करेंगे। अपना चिकन कोफ्ता करी रेडी है, उसको गर्मा गर्म सर्व कीजिए रोटी चपाती या नान के साथ। सबसे पहले हमारे वीडियोस देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। डिलीशियस।